हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होने वाला है 27-28 मार्च को। उसके संबंध में मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आगामी परीक्षा आप लोगों की जो होने वाली है वो मार्च में है और अनुमान लगाया जाता है कि होली से पहले UGC नेट सोशल वर्क का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फेस थर्ड आएगा, उस फेस थर्ड में ये जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो सोशल वर्क का भी पेपर आने वाला है, इसलिए ये प्रश्न सोशल वर्क ऑलरेडी है भी। हम दिसंबर 2018 का प्रश्न पर बातचीत कर रहे हैं और 2018 से ही 100 प्रश्न का जो पैटर्न था यहीं से स्टार्ट हुआ था। और ये प्रश्न MP सेट सोशल वर्क की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अब जिन बच्चों का MP सेट और UGC नेट दोनों, जिसका ऑनलाइन क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ 11 मार्च से, हालांकि यहाँ पर आप सभी लोग MP सेट और UGC के बच्चे देखे रहिए प्रश्न। और ये जो सेशन चल रहा है ये जून 2023 वाला चल रहा है। ठीक है, और 11 मार्च से आप लोगों को रेगुलर क्लासेस हो जाएगी और यहाँ से जो क्लासेस दी जाएगी वो 8:30 रहेगी, ध्यान रखेंगे इसका, UGC और MP सेट की। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की होगी वो 6:30 रहेगी, ध्यान देंगे आप सभी लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की क्लास 6:30 रहेगी और UGC और MPZ का जो एग्ज़ाम हो जून में होने वाला है उसकी क्लास 8:30 रहेगी। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हम लोगों ने कर चुके हैं इसमें 2018 के दिसंबर वाले में। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी होगा 2 घंटे 38 मिनट के लगभग मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये प्रश्न एम्स के लिए UGC और MPZ और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रश्न है, अहम के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य कौन कौन से हैं आपका। देखिए, अब आपको अगर मैं बात करूं, ये जो अहम शब्द आया है इससे आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी कि ये सिगमंड फ्रायड का एक गत्यात्मक, ठीक है, गत्यात्मक पक्ष था। और इस गत्यात्मक पक्ष के अंतर्गत जो है एक इद था और इसी के अंतर्गत एक ईगो था और इसी के अंतर्गत एक सुपर ईगो था। इनके बारे में जिक्र किया था सिगमंड फ्रायड ने। अब आप समझिए कि इद क्या था। इद बेसिकली जन्मजात था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से केवल ईगो से प्रश्न पूछा गया है, परंतु इद के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें, हो सकता है 2023 में इद से पूछ ले। ठीक है, ये जन्मजात था। इसमें अगर हम बात करें तो वासनाएँ और दमित इच्छाएँ थीं। इसी में अगर हम लोग बात करें, तत्काल सुख और संतुष्टि पाया जाना, जो संतुष्टि पाना चाहता है उस चीज़ को ये जिक्र करता था ईद। और यह अचेतन में कार्य करता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, अचेतन में ये काम करता है ईद। और यह ध्यान रखेंगे पाश्चिकता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे पाश्चिकता का प्रतीक होता है ये, कौन सा, ईद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले सुपर ईगो फिर ईगो की बात करेंगे। सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो जो होता है वो ईद प्लस जो है सुपर ईगो, जिसको हम परा अहम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, उनके बीच जो संघर्ष की मध्यस्थता करने की बात होती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ईगो को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि ईद और ईगो के बीच जो संघर्ष है उनमें जो मध्यस्थता करने और उन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ना और अहम मानवता का प्रतीक के रूप में देखना और जब वास्तविक जगत की बात करना, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सुपर ईगो कहलाती है। तो इसमें व्यक्ति समायोजन में सफल रहता है और इसलिए इसके व्यक्तित्व के तीनों घटकों में एक इम्पोर्टेंस पाया जाता है। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंस शब्द पाया जाता है, समायोजन का परिणाम, समायोजन का परिणाम पाया जाता है। तो ये सिगमंड फ्रायड के अंतर्गत था जो सुपर ईगो के बारे में बात मैंने कहा। सुपर ईगो सामाजिक मान्यता संस्कार आदर्श से संबंधित है और मानवीय सामाजिक और राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग और बलिदान हेतु तत्पर करता है। और
सुपर ईगो जो है पूर्णतः चेतन से निर्धारित है। ये किससे निर्धारित हो जाएगा? चेतन से निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सुपर ईगो ईगो के बारे में। ईगो यानी स्वयं यानी मैं का अर्थ होता है कि मानव की उन समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ से है जिसके कारण वह पर अर्थात अन्य से भिन्न होता है। तो मनोविश्लेषण में मनुष्य की वे शक्तियाँ जो उसको यथार्थता यानी रियलिटी प्रिंसिपल के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस पर विचार डाला कि अहम और पर का बोध और विकास के साथ साथ होता है। यह अर्ध चेतन मन से जुड़ा हुआ है, यह अर्ध चेतन मन से जुड़ा हुआ है। आप ये कह लीजिए कि यह सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह संस्कार आदर्श त्याग और बलिदान के लिए तैयार करता है जहाँ देवत्व की प्रतीकता होती है। जैसे हमने कहा समायोजन का परिणाम इसमें हो रहा था, इसमें हमने बताया कि पाश्चविकता का प्रतीक हो रहा था, तो इसमें किस चीज़ का होगा? देवत्व का प्रतीक होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट्स बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर जिक्र किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है हम सब के लिए जो परीक्षाओं में हम सबसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ईगो जो है एक घटक है जहाँ इदम से विकसित होता है। ये इदम से विकसित होता है, यह सुनिश्चित करता है कि इदम एक आवेग सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से व्यक्त होता है। तो चेतन अग्रचेतन और अचेतन मन में कार्य भी करता है ये। इसलिए यहाँ अहम जो है वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है ये, है ना। तो फ्रायड ने इदम की तुलना में यहाँ पे घोड़े से और अहम की तुलना घोड़े के सवार से की है। बात को समझिएगा। और जो आपका इद था वो व्यक्तित्व का प्राथमिक कंपोनेंट था, तो इद एकमात्र घटक है जो जन्म से ही मौजूद होता है। तो यह आदिम व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है सुखेप्सा सिद्धांत लागू होता है। सुखेप्सा यहाँ पे इद पे क्या लागू होता है मैं लिख देता हूँ, आप नोट करते रहिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सुखेप्सा, और सुखेप्सा की जो इंग्लिश बनेगी उसको कहा जाएगा प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे। और सुपर ईगो तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ, जहाँ नैतिकता माता पिता और समाज के प्रति मानक और आदर्शों को धारण करता है, है ना। आप ये कह लीजिए कि व्यक्तियों के व्यवहार को परिपूर्ण और सभ्य बनाने की कोशिश करता है सुपर ईगो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न करेंगे, मूल प्रवृत्ति पर्यावरण के बीच मध्यस्थता का काम करता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये पहला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। चेतना को नियंत्रित करता है और सेंसर का प्रयोग करता है, ये आपका करेक्ट रहेगा। व्यक्तित्व और न्यायिक शाखा के रूप में कार्य करता है, ये गलत हो जाएगा। वास्तविकता का सिद्धांत पर जो है शासित होता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों के बारे में अगर आप जब जाने रहेंगे तब आप आसानी से उन ऑप्शनों को चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों के बारे में बता दिया है, इद ईगो सुपर ईगो के बारे में। यहाँ पे तो ईगो के बारे में पूछा गया, हो सकता है आगामी परीक्षा सुपर ईगो से आ जाए, है ना, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आएगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में, ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है हम सब के लिए। अंगीकरण की नई सतत विकास के लिए 2030 की कार्यसूची किसके लिए कार्य योजना है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपको देना है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका एक जो होगा जनता होगा, दूसरा जो होगा पीपल के साथ प्लानेट की बात करेगा, तीसरा जो होगा आपका यहाँ पे प्लानेट होगा, उसके बाद आपका जो है समृद्धि होगी। ठीक है, इस शब्द को रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पर। जो करेक्ट जवाब माना जाएगा 1, 2, 4 माना जाएगा, और 1, 2, 4 देखेंगे अगर आप लोग तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित केसवर्क मान्यता में कौन सा या कौन सी सही माना जाएगा, है ना, यह स्टेटमेंट आपके सामने है। और मैं आप लोगों से इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि क्या इसका स्टेटमेंट होगा। तो देखिए, व्यक्ति और समाज अनुसरित है और संपूरक है, और ये बात आपको मालूम है, हैमिल्टन ने दिया है। मानव के व्यवहार और उसकी अभिवृत्ति को विभिन्न प्रचालनगत कारक प्रभावित करते हैं, ये भी सत्य होगा। समस्याएं मनोवैज्ञानिक और अंतःव्यक्तिक प्रकृति की होती है, ये भी सत्य होगा।
सोशल केस वर्क में व्यक्ति की समस्याएं सुलझाना और ऊर्जा और क्षमताओं को सकारात्मक तरीके से मार्ग देने की विधि होती है, ये भी सत्य होगा। सोशल केस वर्क में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करता और प्रत्येक ज़रूरतमंद और समस्याग्रस्त व्यक्ति तक पहुँचाना, ये सभी करेक्ट है। यहाँ पे केस वर्क की जो मान्यता है ये सारे के सारे करेक्ट माने जाएंगे। अब जिस ऑप्शन में सभी लिखा होगा वही सही माना जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं थर्ड में 1, 2, 3, 4, 5 करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न को आप पढ़ें अच्छे से और उसके बाद आप जवाब देंगे तो आपको आसानी होगी समझने में भी। अच्छा सवाल था हमारे लिए, आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे हम लोग। और ये प्रश्न हमारे सामने है मानव संसाधन जो है अप्रोच से, अभिगम से। अभिगम का मतलब अप्रोच होता है, आप ये भी कह सकते हो, उपागम भी इसको बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें देखिए सही हमें उत्तर चुनना है। यह उन उपागम के विपरीत है जो भौतिक अर्थों में कर्मकारों के व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए वैयक्तिक तथा अति तर्कणापूर्ण बल देता है। यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा। वहीं बात करें कि यह उद्योग अनौपचारिक समूहों में महत्व पर बल देता है, गलत जवाब होगा। और फिर कहता है कि इसमें सामाजिक प्राणी के रूप में फैक्ट्री और सामाजिक व्यक्ति के रूप में जो है कामगारों के प्रारूप का प्रारंभ करता है, ये भी गलत है आपका। और फिर कहता है यह औद्योगिक व्यक्ति के तर्कणात्मक और आर्थिक मनुष्य बनाता है, ये स्टेटमेंट सर कथन सत्य है। कथन सत्य है कार्यस्थल पर व्यवहार पर जब मानव संसाधन अप्रोच की बात होती है तब तो जिस ऑप्शन में 1 और 4 मिलेगा वह ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं मैं थर्ड वाले में दिया गया है, इसलिए थर्ड वाला पॉइंट आपका करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से जन आंदोलन है कौन कौन से? अच्छा सवाल है, आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए जन आंदोलन में 2-3 बातें हैं हम लोगों को पता होना चाहिए। एक आपका आता है एपिको आंदोलन, सबसे शुरुआत में यही आंदोलन था। कन्नड़ भाषा में अपिको चालू वाली कहा जाता है इसको, एपिको को। इसका नारा था पारिस्थितिकी की अस्थाई अर्थव्यवस्था, यानी आप कभी कभी प्रश्न बनता है तो सुशु ध्यान रखेंगे, सुशु बेलेसु ध्यान रखेंगे और बालसु, ये नारा है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये नारा है एपिको आंदोलन का। प्रेरणा इसके जो है एपिको आंदोलन में पांडुरंग हेगड़े हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में यह 1983 में वनों की रक्षा के लेकर चलाया गया था ये। और यही आंदोलन जब नापका 1983 वर्ष आता है तो ये उत्तर भारत में चिपको आंदोलन के रूप में जाना गया, और दक्षिण भारत में, ये उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, और दक्षिण भारत में अगर मैं बात करूँ तो एपिको आंदोलन है ये। और 38 दिन तक यह आंदोलन पूरे जोश के साथ चला था। उद्देश्य केवल यही था कि मौजूदा वन क्षेत्रों का संरक्षण करना, खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना, प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान में रखकर उसका सदुपयोग करना। और हिंदी में नारा जो था उसका, अगर हम बात करें हिंदी का, ये कन्नड़ भाषा का था, ये कन्नड़ भाषा में था। और हिंदी में जो नारा था बचाओ बढ़ाओ और काम लाओ, बचाओ बढ़ाओ काम लाओ, ये था। उसके बाद एक आंदोलन आया था बिश्नोई। थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ यहाँ पे जन आंदोलन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। बिश्नोई आंदोलन उत्तरी भारत के एक प्राकृतिक प्रेमी पंथ है। राजस्थान राज्य और सीमावर्ती राज्यों के पंजाब और हरियाणा में इसके संस्थापक जो थे बिश्नोई आंदोलन के जम्भोजी महाराज थे। बिश्नोई समाज की पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यह एक घटना थी जिसमें सितंबर 1730 में, कौन से 1730 में, खेजड़ी के वृक्षों की सुरक्षा के लिए तत्पर बिश्नोई पंथ ने 363 लोगों की मृत्यु हुई थी। जम्भोगी महाराज द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने वाला बिश्नोई आंदोलन ने था। कितने नियमों का? 29 नियमों का पालन करने वाला। बेसिकली प्रेरणा में बिश्नोई आंदोलन में अगर नाम आया तो अमृता देवी का भी नाम आता है। खिजड़ी गांव जोधपुर राजस्थान में विरोध में बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए थे, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बिश्नोई आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भी।
बात फिर आती है चिपको आंदोलन के बारे में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन में सन 1970 और 1974 और 1973। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह आंदोलन जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों के वृक्षों की कटाई के विरोध में कर रहा था चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन जो था उत्तर प्रदेश चमोली जिले में सन 1970 में यह प्रारंभ हुआ था। बेसिकली 1974 में इसके प्रेरणा जो थे सुंदरलाल बहुगुड़ा, कॉमरेड गोविंद सिंह, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी। मैंने आप लोगों से इसके बारे में कल भी जिक्र किया था, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चिपको आंदोलन में घोषणा वाक्य था बहुगुड़ा जी का, लिखा था कि क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये एक कोटेशन था, एक घोषणा वाक्य था उनका, ठीक है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुड़ा का प्रसिद्ध एक था वृक्ष मित्र के नाम से एक पुस्तक थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही। और गौरा देवी महिला मंडल की अध्यक्ष थी, जिन्होंने चिपको ओमैन में जाना गया, इनको चिपको जो है वोमैन के नाम से जाना गया था। उसके बाद आपका आता था मुख साइलेंट वैली वाला। तो मुख साइलेंट वैली की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ साइलेंट वैली मोमेंट, इसकी भूमिका जो आई सन 1980 में आई थी जनवरी में। और आपको बता दूँ बेसिकली 1978 से ये प्रक्रियाएँ चलाई गई थी, कहीं कहीं हमें 1978 मिलता भी है। तो शांति घाटी आंदोलन केरला के एक पालघाट जिले में स्थित था, और शांति घाटी अपनी हरियाली, पेड़ पौधे और जंगल के लिए जानी जाती थी। नारा ये था कि शांति घाटी बचाओ, शांति घाटी बचाओ। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये पेपर में पूछा भी जा चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो कुंती पूछ नदी पर 200 मेगावाट बिजली विद्युत पैदा के लिए था ये, इसलिए ये फेमस था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक था जंगल बचाओ आंदोलन। जो जंगल बचाओ आंदोलन था इसे भी आप ध्यान रखेंगे, 1982 का था। और भूमि जंगल पानी के लिए भू जिले का आंदोलन जो है झारखंड आंदोलन के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर अधिकार और संघर्ष का हिस्सा रहा है इस पे, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। और यह आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी जंगल बचाओ आंदोलन की, वो 1980 में स्टार्ट हुआ था, बिहार से स्टार्ट किया गया था जंगल बचाओ आंदोलन को, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में। फिर उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन आया, और नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो ये 1900 आप लोग ध्यान रखेंगे 85 में, 1985 में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन, हालांकि 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। और फिर उसके बाद पर्यावरणविदों ने, स्थानीय लोगों ने सन 1985 में हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था। इसके प्रेरणा जो थे मेघा पाटकर, बाबा आमटे और आमिर खान का भी समर्थन इसमें रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन में। उसके बाद आपका आया टिहरी बाद एक आंदोलन था, टिहरी बाध आंदोलन था, जो 1972 में आया था, 1972 में आया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक अहम भूमिका इसमें रही, एक रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक चिल्का बचाओ आंदोलन था जो 1977 और 78 में लाया गया था। झींगा मछली के उत्पादन को लेकर निर्यात के विकास में एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। जो चिल्का झील उड़ीसा, एशिया और भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील के नाम से भी जाना जाता है। इसी में अगर हम बात करें तो एक आंदोलन आता है जन लोकपाल विधेयक आंदोलन। जन लोकपाल विधेयक आंदोलन जो था 5 अप्रैल 2011 को स्टार्ट हुआ, जंतर मंतर में अनशन के साथ शुरू हुआ था ये। अन्ना हजारे ने इसकी एक अहम भूमिका निभाया है, साथ में इसके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, बलराम देव आदि भी लोग इसमें शामिल रहे हैं। 12 दिनों तक ये अनशन चला था और 16 अगस्त को संसद में लोकपाल विधेयक पास कराने की बात भी स्वीकार कर दी गई थी।
उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आंदोलन था निर्भया आंदोलन। निर्भया आंदोलन 2012 में चलाया गया। 16 दिसंबर की घटना के बाद पूरे देश में जागरूकता भी बढ़ी थी, तो महिलाएं भी अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ अब आवाज़ उठाने में हिचकिचा नहीं रही हैं, तो नए कानून से उन्हें मदद भी मिल रही थी। तो सरकार ने महिला बैंक शुरुआत किया था, तो सरकार ने इसी घटना के बाद निर्भया फंड भी शुरुआत हुई और दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी शुरुआत किया था 181, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्रम बता देना चाहता हूँ ताकि आपको ईजिली याद रहे सारी चीज़ें। जैसे अगर आपसे पूछे बिश्नोई आंदोलन, तो बिश्नोई आंदोलन को आप 1730 लगाइएगा बिश्नोई को, और उसके बाद अगर आप चिपको आंदोलन पूछे तो आप लोग 1973 लगाइएगा। और चिल्का बचाओ आंदोलन की बात करें तो आप लोग 1977 और 78 को लगाइएगा, और साइलेंट वैली आंदोलन की बात हो तो आप लोग 1978 लगाइएगा। साइलेंट वैली की बात कर रहा हूँ। जंगल बचाओ आंदोलन की बात होगी तो आप लोग 1980 करिएगा। एपिको आंदोलन की बात होगी तो आप 1983 करिएगा, और टिहरी बाद आंदोलन की बात होगी तो 1972 करिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात होगी तो 1985 करिएगा, और जन लोकपाल विधेयक आंदोलन की बात होगी तो 2011 करिएगा। निर्भया आंदोलन की बात होगी तो 2012 करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है। अब एक और नाम आता है हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी पेपर में, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं पेपर में हम सबसे पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला सम्मान अभियान, और ये भी एक प्रकार का जो है आंदोलन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय महिला सम्मान अभियान, और एग्ज़ाम में इससे भी प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। महिला जो है, यहाँ अभियान का मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक अनुकूलन वातावरण को जो है तैयार करना है, इसके परिप्रेक्ष्य में ये था। तो अगर हम बात करें महिला जागरूकता अभियान को लेकर, तो ये इसी के अंतर्गत आता है, और ये 2011 में मध्य प्रदेश में महिला जागरूकता अभियान जो है सम्मान शुरू किया गया था। कब? तो 2011 करिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा आप सबका। ठीक है, 2011 मध्य प्रदेश में इसको जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्रश्न में कि ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन अगर आप लोगों को यहाँ पे देना है तो ऑप्शन नंबर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सारे ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको ईजिली हो सके तैयारी। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ बेसिकली वर्ष नहीं पूछा है, और ये आपका पहला, दूसरा, 3, 4, यानी ये सारे के सारे जो है जन आंदोलन है। आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो पहला जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने वर्ष भी आप लोगों को बता दिए हैं, अब ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल को लेकर। देखिए, भारत के संविधान के अधीन भारत के नागरिकों के लिए निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से विहित किए गए हैं। ठीक है, इसमें से कौन से चीज़ें विहित किए गए हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा। तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो वैज्ञानिक मनोदशा का विकास करना हो जाएगा, दूसरा होगा भारत के समृद्ध विरासत का संरक्षण करना भी हो जाएगा, और देश की रक्षा करना हो जाएगा। तो कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया गया था भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए, लेकिन आय के विषमता के न्यूनतम की बात नहीं की गई थी। तो आप देख सकते हैं पहला है, दूसरा है, चौथा है, जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा देख सकते हैं आप यहाँ पे है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम सभी लोग, और शाम की क्लास जो आप सबकी चलने वाली है 6:30 क्लास चलेगी, और 6:30 से 9:30 क्लास रहेगी आप लोगों से, इससे प्लस भी हो जाती है क्लास। कंटिन्यू एक ही लिंक देता हूँ मैं, बीच में आप लोगों को 30 मिनट का यहाँ पर ब्रेक रहेगा। ठीक है, याद रहे। और ये जो क्लासेस हैं शाम की, व्याख्या सहित हम लोग ऐसे प्रश्नों पर आज शाम को चर्चा पर चर्चा करेंगे। यदि आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके नोट्स के लिए, तो 999 रुपये में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। MPSET सोशल वर्क की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस 3500 में प्रोवाइड की जा रही है, किस्तों में आपको 4000 की फ़ीस रहेगी, 2000 रुपये करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। और यही फीस आपका MPSET की भी है, और यही फीस आपकी जो होगी UGC NET की भी रहेगी। ठीक है, यही दोनों फीस
निर्धारित की गई। इसका तो डेट भी आ चुका है, आप लोगों को पता है 4 जून का है। और अगर ये 4 जून का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से सोशल वर्क के बारे में पढ़ना आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप फैक्टों से रूबरू रहेंगे तभी आप वो चीज़ें याद रहेंगी, जब बार बार उस चीज़ों को आप सुनेंगे, है ना। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क की बात कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस भी 11 मार्च से स्टार्ट होगी, और इसकी फ़ीस भी मैंने आप लोगों से बता रखा है 5000 है, 2500 रुपये करके आप किस्तों में जमा करेंगे और एक साथ 4000 इसकी पेमेंट होगी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर, कॉल भी कर लीजिए या तो व्हाट्सएप पर आप उनसे बात भी कर सकते हैं।